बहुत यूथ प्यारा कवि मेरे फेवरेट मानता हूँ विश्वास जी, उनके दो लाइनों में आरसीएम को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्या आप मेरे साथ देंगे? साथ देंगे? तो ये पहली लाइन कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर के जो ज्वाइन हो चुके थे और जो अभी भी ज्वाइन हुए हैं, तो ये पहली लाइन उनके लिए है कि कोई दीवाना कहता है कि कोई पागल समझता है। ये पहली लाइन किसके लिए? जो ज्वाइन हो चुके हैं और अभी जो ज्वाइन हुए हैं उनको लोग क्या कहते हैं कि कोई दीवाना कहता है कि कोई पागल समझता है। इस अचीवमेंट की बेचैनी बस लीडर समझता है। इस अचीवमेंट की बेचैनी बस या कितने लोग लीडर खुद तालियां बजा के दिखा देंगे। इस अचीवमेंट की बेचैनी बस लीडर समझता है। अब ये अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिलके अचीवमेंट की तरफ देखते हैं। अपलाइन और डाउनलाइन दोनों बैठे हैं ना यहाँ पे, दोनों मिलके अचीवमेंट की तरफ देख रहे हैं और कहते हैं तू मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसी हूं। अचीवमेंट को कह रहे हैं कि तू मुझसे दूर कैसी है कि मैं तुझसे दूर कैसा हूं। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। इसका कहने का यही मतलब है कि बिजनेस, हालांकि प्रोडक्ट का बिजनेस है लेकिन बिजनेस दिल से दिल जोड़ने का बिजनेस है। अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, अगर आपकी बातें अच्छी नहीं है, अगर आप किसी को बोलते आरसीएम समझ, वो आप अगर उसको 1,00,000 रुपए दे देंगे तो भी आरसीएम नहीं समझेगा वो। ये बिजनेस दिल से दिल का बिजनेस है और जहां दिल मिल जाएंगे तो लोग प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, लोग 100 रुपए नहीं देखेंगे, लोग ये देखेंगे कि मेरे को टेक्निकल हीरो बनना है और इसी के साथ बस दिल मिलना चाहिए। और आप कहेंगे मेरा दिल तो बस मेरे चाचा के साथ, मेरे ताऊ के साथ, मेरे रिश्तेदार के साथ मिलता है और मैं तो वही आरसीएम करूंगा, वो करेंगे तो मैं करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। तो विश्वास माने हमारे परिवार में बस हमारे परिवार को और इनके ससुराल को छोड़कर कोई आरसीएम में नहीं है, ना चाचा है, ना ताऊ है, ना ताई है। क्योंकि जब हमें समय था उनको समझाने का था, उनके पास समय नहीं था, और जब उनके पास समझने का समय था तब हमारे पास समझाने का समय नहीं था। तो बिल्कुल भी उनके पीछे ना पड़े जो आपकी बात को नहीं समझते हैं, वो खासकर बहुत क्लोज जिनसे दिल मिलता है, दोस्त रिश्तेदार यार, वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। ये अनजान लोगों का बिजनेस है, अनजान लोगों से दिल जोड़ने का बिजनेस है। ट्रेन में जाए, बस में जाए, मुंह बंद करके कबूतर की तरह कोने में ना बैठे, चिड़िया की तरह छेछे करते रहे और दिल जोड़े, वो बंदा आपके टीम का रॉयल्टी अचीवर जरूर बनेगा। अगर आपने दिल से उसको जोड़ा, दिल से बिजनेस के बारे में बताया, तो बंदा आपके टीम का रॉयल्टी अचीवर जरूर बनेगा। और मैं कसम खा के कहता हूं अगर आपने डिसीजन ले लिया, यानी ठान लिया, बिजनेस में जुड़ गए, प्रोडक्ट को यूज कर लिया, वो अलग बात है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनता है, बनना है किसी बात में बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको टेक्निकल अचीवर बनने से रोकती। और इतने अच्छे अच्छे अप्लाइंस, इतने अच्छे अच्छे रॉयल्टी अचीवर्स, इतने अच्छे अच्छे टेक्निकल अचीवर्स आपके बीच में है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी अच्छी अच्छी बातें सर ने कही है। सॉरी मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, टेक्निकल हैं हमारे बीच में, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे सेमिनार उन्होंने यहाँ लिया कि हमें लगता है कि अपने इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं, अकेले काफी आपको टेक्निकल अचीवर बनाने के लिए। और उनके भी जो सीनियर है मुखर्जी सर, फिर उससे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। और इसी तरह आप सबका प्यार सम्मान प्यारी सी मेरी सिस्टर को मिलता रहे और इसको आप आगे बढ़ाते रहे, आप भी इनके साथ आगे बढ़ते रहे। जय आरसीएम, धन्यवाद। एक बार दूसरे जय आरसीएम।